नमस्कार, दृश्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, है ना। ये हमारे एडीओ के क्लासेस हैं, ठीक, जो आपको यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगी, और साथ ही एक हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, उस ऐप में भी यह क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। और साथ में ही हम एडीओ के लिए जो टेस्ट सीरीज है वह लॉन्च करेंगे अपनी ऐप पे, ठीक, वो भी निःशुल्क रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, ठीक। तो इसकी फर्दर कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस सब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। और हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिए, है ना, ताकि हम ये जो अपनी पहल है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, ठीक। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे एडीओ का, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सामान्य ज्ञान वाला भाग, ठीक, सामान्य ज्ञान वाला भाग, ठीक। इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें 6 टॉपिक है, ठीक, जिसमें है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक। यह कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए यह जो है आपके नेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से आपको मिलेंगे, और इसके अंतर्गत वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जो हमारा करंट अफेयर का जो सेशन है जो यूट्यूब पे कंटिन्यू चालू है उस पर आप इसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कि जो करंट अफेयर का सेशन है केवल एडीओ ही नहीं, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो करंट अफेयर तो आपको कोई भी एग्जाम हो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक। तो करंट अफेयर तो आपका वहां से कवर हो जाएगा जो मेरे जीके के सेशन चलते हैं आपके यूट्यूब पे, ठीक। इसके बाद दूसरा है संविधान, ठीक। संविधान को हम लेंगे, पहले हम लेंगे छत्तीसगढ़ के को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें टोटल कौन कौन से है, एक तो आपका करंट अफेयर हो गया, दूसरा संविधान हो गया, तीसरा है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें मतलब छत्तीसगढ़ भौगोलिक समझ लीजिए पूरा पूरा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, संगीत, नृत्य और जनजातियां। तो जो लास्ट के 4 पार्ट हैं, टोटल कितने हैं इसके अंतर्गत, 6 पार्ट हैं, 1 से 6, ठीक। तो पहला तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा, दूसरा है आपका संविधान, ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 4 पार्ट हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ भौगोलिक, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ नृत्य और जनजातियां, छत्तीसगढ़ कला समझ ले, आर्ट कल्चर और जनजातियां, ट्राइब्स, ठीक। ये टोटल पार्ट है 30 नंबर का, ठीक। और देखिए ऐसा नहीं है कि 6 है तो 5-5 नंबर के हर पार्ट से पूछे जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। इसमें पूछने वाला ऊपर नीचे कर सकता है, और जो एक सामान्य सा जो अभी तक पूछता आ रहा है 18 से 20 नंबर का वह पूछेगा 3 से इस पार्ट छत्तीसगढ़ के पार्ट से, और ऊपर से पूछेगा आपका 10 से 12 नंबर तक का, ठीक, करंट अफेयर और संविधान से। तो हम पढ़ेंगे भी इसी वेटेज के हिसाब से, ठीक। चलिए, और आपके जो बाकी जो इसके सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा आपको यूट्यूब पे उपलब्ध होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम चालू करेंगे छत्तीसगढ़ भौगोलिक, ठीक, छत्तीसगढ़ भौगोलिक, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ भौगोलिक में पहले एक छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ है कहाँ, लोकेट कहाँ पे है, इसकी भारत में लोकेशन क्या है, अक्षांश देशांतरी विस्तार कैसा है, इसकी स्थिति कैसी है, ठीक। देखिए छत्तीसगढ़ जब भी आपको पढ़ना है तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप छत्तीसगढ़ को हमेशा मैप में पढ़ें, बिना मैप के आप छत्तीसगढ़ मत पढ़ो, आप भौगोलिक पढ़ो, इवन इतिहास पढ़ रहे हो तो भी आप मैप पे ही पढ़ो, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो आप छत्तीसगढ़ मैप पे पढ़ो, बहुत तेजी से याद होगी और एकदम परफेक्ट याद होंगी चीजें, ठीक। देखिए मैप बनाने का क्या है, मैप तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा तो बन ही जाएगा, जैसे मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, है ना, वैसे आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तब काम चलाओ मैप तो आप।
बना ही लोगे, थोड़ा ज्यादा टेढ़ा ही हो गया यार। ठीक है, अपने समझने के लिए पर्याप्त होगा ये। चलिए ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, है ना, भारत का नक्शा अपन बना लेते हैं साइड में। छत्तीसगढ़ की लोकेशन आती है हमारी करीब यहां ऐसी टाइप की। ठीक, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, छत्तीसगढ़ आता है पूर्वी पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपी पठार में। ठीक, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकेशन पूछ सकता है छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपी पठार ऑप्शन में होगा, इन दोनों को चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, छत्तीसगढ़ की जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को देखते हैं थोड़ा सा, तो ठीक देखिए छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है वह आपका है 46 अंश से आपका 24 डिग्री 5 अंश तक। तो ये लाइन है आपकी जो यहां से टच होके निकलेगी ऐसे। ठीक, ये है आपका 17 डिग्री 46 मिनट से, ये यहां पे थोड़ा सा ऐसा ऊंचा हिस्सा है इसका। ठीक, ये जो हिस्सा यहां पे ऐसा थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा है, यहां से टच होके निकलेगी आपका 24 डिग्री 5 अंश। ठीक, ये आपका कौन सा विस्तार हुआ, ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक, देशांतरी विस्तार देखेंगे। अच्छा हाँ, ये जो है अक्षांशीय विस्तार ये है नॉर्थ। ठीक, नॉर्थ क्योंकि आपको भारत पता है, भारत हमारा नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट में आता है ग्लोब के, है ना, ग्लोब बनते हैं ना, भारत की पोजीशन यहां पे आती है नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट में। तो जो अक्षांश होंगे वह अब जो है नॉर्थ, इसके ऊपर है भारत, इसके ऊपर को नॉर्थ कहा जाता है, तो जितने भी अक्षांश हैं उसके आगे नॉर्थ लिखे जाएंगे, और जितने भी देशांतर हैं वह इस लाइन की इस तरफ है, इसलिए इसको लिखे जाएंगे ईस्ट। ठीक, इसको ध्यान रखिए, पूछ सकता है। तो पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसके अंदर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ भी नॉर्थ ईस्ट में ही, मतलब जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वह नॉर्थ ईस्ट में ही होंगे। ठीक, फिर है आपका 80 जो देशांतरी विस्तार है वह है आपका यहां पे टच होता है। ठीक, 80 15 से, ठीक एक्चुअली यहां पे टच होगा ये आपका 84, यहां यहां लिखिए तो समझ में आएगा 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक, देखिए ये मिनट में है, इसको अंश डिग्री या मिनट में, 24 डिग्री 5 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें से भी क्वेश्चन उठते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है आपकी, ये हमारी जो अक्षांशी और देशांतर विस्तार है या किस किस जगह को टच कर रही है, छत्तीसगढ़ का तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में इसको टच कर रहा है, पर यहाँ पे कौन सी जगह है, ध्यान रखिएगा। ये जहां पे टच करती है यह है आपका सुंदरी गांव। ठीक, बलरामपुर जिला रामा नुजगंज तहसील। ठीक, जसपुर का जशपुर नगर जो है तहसील आपका, ठीक इसको गिदला गांव है ना। ये है आपका भद्रकाली भोपाल पट्टनम। ठीक, ये आपका
सुकमा जिला। तो इन क्षेत्र इन जगहों को भी आपको याद रखना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई विस्तार देखें तो यह है उत्तर से दक्षिण, लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है वह लगभग है 433 किलोमीटर के आसपास, 433 435 आपको अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, अब 435 33 कुछ भी याद कर लीजिए, इतना कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक, देखिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछेगा ना इसको 400 से 500 भी पूछ सकता है कि चौड़ाई कितनी है, तो 400 से 500 किलोमीटर तो भी वो सही रहेगा, है ना, उसमें ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये 700 इसको 600 से 700 किलोमीटर पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आपको एक मोटा मोटी ये याद रखना चाहिए। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है ना, यह भारत का कुल भूमि का 4.04% है, 4.14% है, सॉरी जीरो ओनली 4.14% है। और जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वह भारत की कितनी है, 2.02%। ठीक, तो भारत के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा जमीन पे जो लोगों का दबाव है वह कम है, है ना, भू क्षेत्र ज्यादा है, परसेंटेज वाइज लोगों की संख्या कम निवास करती है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है आपका 135,191 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो यह है आपका अक्षांशी और देशांशी विस्तार छत्तीसगढ़ का। अच्छा, ये जो है यह ईस्ट है ना, देशांतर ईस्ट वेस्ट में चलते हैं, अक्षांश नॉर्थ और साउथ में चलते हैं। ठीक, जब बेसिक जानकारी याद रखिएगा क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूज कर देता है, 47 ईस्ट कर देगा, ठीक, इसको नॉर्थ कर देगा ऑप्शन में पूछेगा, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ईस्ट और नॉर्थ को। ठीक, तो क्या पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो आसपास हैं कौन कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ को कहां कहां और किस किस राज्यों से छत्तीसगढ़ टच हो रहा है और उनकी सीमा रेखा का विस्तार कैसा कैसा है। ठीक, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ पढ़ने से पहले ये सारी चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं, इसके बगैर छत्तीसगढ़ पढ़ने में ना बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे आगे, जब आप अभी ये पढ़ दे, आगे हमको प्रशासनिक पढ़ना है, ठीक, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ना है, तो हमको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सीमाएं कहाँ कहाँ से किस किस से टच हो रही है, क्वेश्चन सीधे बनते है ना। चलिए देखिए, यहां पे है राजनांदगांव, राजनांदगांव को बीच से काट दीजिए एकदम। ठीक, यहां पे राजनांदगांव है, ऊपर आपका ये क्या खैरागढ़ जिला बन गया है, नीचे आपका मालपुर मोहल्ला बन गया है, बीच में है राजनांदगांव, राजनांदगांव को बीचों बीच काट लीजिए। इसके ऊपर का क्षेत्र एमपी, नीचे का क्षेत्र एमएच यानी महाराष्ट्र, ये भद्रकाली गए, इसको यहां से काट लीजिए, इधर आपका महाराष्ट्र, ठीक, और इधर आपका तेलंगाना, ये जो थोड़ा सा ऐसा चपटा क्षेत्र है इसको ऐसे और ऐसे काट लीजिए, ये है आपका आंध्र प्रदेश और ये है आपका उड़ीसा। ठीक, यहाँ ये जसपुर में, जसपुर को काट लीजिए लगभग 20 से, तो यहाँ तक है आपका उड़ीसा, ऊपर है आपका झारखंड, जेके जम्मू कश्मीर मत समझिएगा, झारखंड। ठीक, ये वाला एरिया, ठीक, यहां से ये जो ऊंचाई है और यहां से ये जो ऊंचाई है, ये है आपका यूपी। तो छत्तीसगढ़ के इतने निकटवर्ती राज्य है। ठीक, इस सीमा को आप ऐसे ही ड्रॉ कीजिए और कम से कम 3-3 बार इस मैप को आप ड्रॉ कीजिए, तो आपका कि कभी सीमा में गड़बड़ नहीं करोगे आप। ठीक, तो चलिए अब देखें, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, यह पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में उत्तरी सीमा बनाता है, कौन बनाता है, एमपी नहीं यूपी, पूछ लेगा यूपी छत्तीसगढ़ के स्थित है उत्तर में, एमपी को पूछ लिया छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है,
सही होगा कि गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। देखिए एमपी जो एक्चुअली एमपी की जो लोकेशन आ रही है इसको हम सेंटर मानते हैं, तो एमपी किस लोकेशन में है? जब भी कोई लोकेशन का क्वेश्चन पूछे तो आप छत्तीसगढ़ का सेंटर लीजिए, ठीक। इसमें फिर ऐसे खींच लीजिए, ठीक, ये आप लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए इसके हिसाब से आप देखिए, नॉर्थ में क्या है? यूपी है। साउथ में क्या है? आंध्र प्रदेश है। साउथ वेस्ट में तेलंगाना है, वेस्ट में है आपका महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट में है एमपी, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में एमपी, नॉर्थ में यूपी, नॉर्थ ईस्ट में है झारखंड और आपका ईस्ट में है उड़ीसा, ठीक। जब आप इसको बना लेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इससे संपर्क होने वाले जिले कौन कौन से। देखिए जशपुर से चालू हुए हम लोग, नीचे आए रायगढ़ आया, रायगढ़ के नीचे आए अभी आपका कौन सा नया जिला बन गया इधर पे, सरायपल्ली बिलाईगढ़ तरफ है ना, कौन सा शक्ति, शक्ति नहीं सरायपल्ली, सारंगढ़, सारंगढ़ जिला बन गया, ठीक, सारंगढ़। फिर नीचे आए महासमुंद आ जाएंगे, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, जगदलपुर है ना, सुकमा आ गए, सुकमा तक आपका पूरा रहा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सुकमा आ गए है ना, पूरा सुकमा एरिया किसमें आ गया? आंध्र प्रदेश में आ गया। तेलंगाना आ गया आपका बीजापुर तरफ आ गया, ठीक, ये बीजापुर एरिया है, बीजापुर सुकमा दोनों में तेलंगाना आ गया। फिर बीजापुर से चालू होता है ऊपर आपके, बीजापुर से ऊपर चलेंगे नारायणपुर, नारायणपुर से ऊपर गए तो आपका मोहला मानपुर, मोहला मानपुर से आ गए राजनांदगांव, महाराष्ट्र हो गया। इसके ऊपर निकलते हैं तो राजनांदगांव एक हो गया, राजनांदगांव के ऊपर हो गया आपका खैरागढ़ जिला बन गया है, ठीक। उसके ऊपर गए कवर्धा, मुंगेली, ठीक, फिर ऊपर गए तो आपका ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला बन गया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के ऊपर यहाँ कोरिया ऊपर टच होगा, कोरिया जिला हो गया, सूरजपुर जिला हो गया, बलरामपुर जिला हो गया, ठीक। तो जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको क्या जिले भी याद आएंगे। आपको पूछेगा उड़ीसा से कितने जिले टच हैं, तो उड़ीसा से कितने जिले टच हो रहे हैं, उड़ीसा से लगभग 9 जिले टच हो रहे हैं। एमपी से कितने जिले टच हो रहे हैं, एमपी से यहां से यहां तक जाओगे तो आपको पूरे 9 जिले एमपी से टच मिल जाएंगे अभी, ठीक, पहले कम थे अभी बढ़ गए। महाराष्ट्र से 5 जिले टच हो रहे हैं, ठीक। तो आपको जिले को भी ऐसे ही याद करना, मैप बनाइए और ऐसे बाउंड्री को देखते जाइए, ठीक। देखिए छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत में पोजीशन है उसकी 9वीं, ठीक। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, इसको देखते हैं कि आखिर भारत के हिसाब से कैसे कैसे इसको याद करना है ना, मैप के हिसाब से कि छत्तीसगढ़ तो ठीक है, हमको भारत के भी राज्य याद हो जाए तो क्या बुरा है ना। ठीक, चलिए देखिए यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन, ठीक। देखिए भारत का सबसे पहला जिला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राजस्थान, देखते जाइएगा इसकी जो लोकेशन है ना वही याद करने की ट्रिक है, ठीक। पहला राजस्थान, दूसरा राजस्थान से लगा हुआ मध्य प्रदेश, तीसरा पहला आपका राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा यूपी नहीं है भाई, गड़बड़ हो रहा है, तीसरा है आपका महाराष्ट्र, चौथा यूपी, ठीक, 1 2 3 4, पांचवा गुजरात। अब नीचे आते जाइए, छठवां क्या हो गया? कर्नाटक, कर्नाटक के बगल में आंध्र प्रदेश, सातवां हो गया, ठीक, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर उड़ीसा, आठवां हो गया और नौवां हो गया आपका छत्तीसगढ़। ये उड़ीसा हो गया आपका आठवां, नौवां छत्तीसगढ़, ठीक, समझ में आया। इसको ऐसे याद कीजिए, एक बार में याद होगा, राजस्थान एमपी अगल बगल वाले जिले, 3 4 महाराष्ट्र यूपी, 3 4 पांचवें में गुजरात, 6 7 8 9 वापस चढ़ गए है ना। जब जम्मू कश्मीर था, राज्य बना था नहीं था, मतलब जब राज्य था वो है ना, तब छत्तीसगढ़ की पोजीशन 10वीं हुआ करती थी। राज्य बना फिर वो केंद्र शासित हो गया, फिर दो भागों में डिवाइड हो गया, इससे क्या हुआ कि अब छत्तीसगढ़ 9वें पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, ठीक। चलिए
एक सामान्य परिचय, अभी आगे हम इसको भौगोलिक में और डिटेल में देखेंगे, धीरे धीरे चीजें क्या है वो सही होती जाएंगी। ठीक, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुछ रेखाओं को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है आपकी कर्क रेखा, है ना, और दूसरी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रेखा, है ना, 82.5 डिग्री से जो गुजरती है। देखिए कर्क रेखा के लिए इसको थोड़ा सा डिजाइन वो कर लेते हैं हम। ठीक, ये ऐसा है कुछ, यह क्षेत्र। ठीक, ये आपका मंदिर जो कोरिया या नया जिला बन गया है, चिरमिरी मनेन्द्रगढ़, है ना, ये नया जिला हो गया, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक, मोटा मोटी, ठीक, ऐसे जिले हैं जो कर्क रेखा जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक, उसको ध्यान रखिए, वो ऐसे जाती है। ठीक, कर्क रेखा जो जाती है उसकी पोजीशन ये है। ठीक, अभी पहले तीन जिलों को टच करती थी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को, अब कितने को करती है, चार जिलों को, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को क्रॉस करते हुए जाती है, 23.5 अंश यह उत्तरी अक्षांश है। ठीक, छत्तीसगढ़ की जो IST है वो आती है इधर से, ध्यान रखिएगा, ऐसे आती है इधर करते हुए, ऐसा कट करते हुए, थोड़ा सा ये नक्शा ऐसा बनता है एक्चुअली, वो ऐसे निकलती है, गरियाबंद टच नहीं करती, गरियाबंद के बाहर से निकलती है। ठीक, तो मतलब गरियाबंद का एकदम ये टच होता है लास्ट वाला, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा ले, ऐसा नहीं टच करती, ये टच करती ऐसे। ठीक, तो ऐसे निकलती है आपकी, आपकी ये है आपकी IST। ठीक, 82.5 डिग्री जिसके हिसाब से भारत का जो है टाइम निर्धारित किया जाता है, भारत का टाइम रेखा है ना, यही से भारत के टाइम को मैच किया जाता है। ठीक, इसलिए पूरे भारत में सिर्फ एक टाइम चलता है, नहीं तो भारत का जो पूर्वी छोर है और जो पश्चिमी छोर है दोनों के बीच का जो टाइम अंतराल है वो लगभग 2 घंटे का आता है, लेकिन पूरे भारत में हम लोग देखें कि एक ही टाइम चलता है, क्योंकि हमने एक सेंट्रल की मानक रेखा को टाइम का आधार मान लिया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि IST और आपकी कर्क रेखा का कटान बिंदु कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, यह है आपका कोरिया। कोरिया जिले में दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। ठीक, यहां पे एक क्वेश्चन और बन जाता है। ठीक, ऐसे तीन जिले जहां से IST और आपकी कर्क रेखा दोनों गुजरती है। ठीक, IST और कर्क रेखा दोनों गुजरती है, ऐसे तीन जिले कौन कौन से हो गए, देखिएगा, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़। ठीक, देखिए सूरजपुर, कोरिया और ये देखिए यहां हल्का सा ये मनेन्द्रगढ़ को टच होते हुए निकलती है। ठीक, इसके बाद IST कहां कहां से जाती है, देखिए इसके बाद आता है कोरबा, ठीक, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, ठीक, कौन कौन सा हो गया, सूरजपुर, कोरिया, आपका मनेन्द्रगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा, बलौदा बाजार आ जाता है, फिर महासमुंद और गरियाबंद, ये एरिया आपका महासमुंद का, ये आपका गरियाबंद का। ठीक, इतने जिलों से होकर गुजरती है आपकी IST। देखिए पोस्ट क्वेश्चन पूछता है कि कहां कहां से, और गरियाबंद में ध्यान रखिएगा जो इस किस तहसील को कहती है, देवभोग। ठीक, तो आपको ये दोनों जिले याद होने चाहिए, कटान बिंदु कहाँ है, तीन ऐसे जिले जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, IST में पड़ने वाले कितने जिले हो गए टोटल गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिले IST में आपके टच होते हैं, तो टोटल जिले IST में टच हुए 8,
है ना, इसमें टच होते हैं आपके एक दो तीन चार जिले। ठीक, तो यह बेसिक क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन और बन सकता है, यह है हमारा 80-15, मतलब 80 डिग्री 15 मिनट, है ना, और इधर पे आता है आपका 84-25। इन दोनों के बीच टोटल समय अंतराल कितना है? देखिए एक देशांतर के बीच समय जो अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट लगभग। ठीक, 4 मिनट होता है, तो इसके हिसाब से जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 16 मिनट 36 सेकंड, 16 मिनट और 36 सेकंड। यह छत्तीसगढ़ का समय अंतराल, मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच समय अंतराल कितना रहता है ना। तो 16 मिनट 36 सेकंड का दोनों के बीच समय अंतराल का डिफरेंस रहता है। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ भारत जो है भारत उसका एक क्या है, भू आवेष्टित जिला है। ठीक, कैसा है भू आवेष्टित जिला? भू आवेष्टित जिला मतलब ना तो वह समुद्र तट से मिलता है ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है। तो भारत में कुल ऐसे 5 राज्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, एक तो आपको पता चल गया, फिर MP है, झारखंड है, हरियाणा है और तेलंगाना है। ये 5 ही गिन के ऐसे राज्य हैं जो किसी बाहरी सीमा या समुद्री सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन बनते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जो जिले हैं कितने कितने राज्यों को टच करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक, कौन सा जिला कितने राज्यों को टच करता है? तो जब आप मैप बनाओगे एक दो बार, इसके जिले बनाओगे किनारे किनारे ना, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए बलरामपुर और सुकमा दो ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों को टच करते हैं, ये है ना, ये बलरामपुर का एरिया है, ये है MP, UP, झारखंड, 3 राज्य को टच करता है, ये है सुकमा, है ना। ठीक, सुकमा जिला कहाँ हो गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक, तीनों को टच करता है सुकमा जिला। ठीक, ओके, सुकमा की जो आती है ये यहां से चालू होता है, करीब ऐसा आता है। ठीक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तीनों को टच करता है सुकमा। 2 राज्यों को टच करने वाले जिले, 2 राज्यों को कौन कौन से कहते हैं? ये देखिए जसपुर, झारखंड, उड़ीसा को। ठीक, इधर बीजापुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना को, इधर राजनांदगांव, MP, महाराष्ट्र को। ठीक, तो जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर 2 राज्यों को टच करने वाले जिले। सबसे लंबी सीमा बनाता है हमारे साथ उड़ीसा। ठीक, सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? उड़ीसा। सबसे छोटी सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। ठीक, धमतरी ऐसा राज्य है जो सबसे कम, मत इतना से इतनी सी जगह, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है जो किसी दूसरे राज्य के साथ शेयर करता है धमतरी। ठीक, तो एक है धमतरी सबसे कम में। सबसे ज्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है वह है आपका बलरामपुर। तो बलरामपुर की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय है, मतलब दूसरे राज्य को टच करने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? बलरामपुर की। दूसरे राज्य को टच करने वाली सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? धमतरी की। ठीक, और है आपका, ठीक है, लगभग लगभग इससे जितने भी क्वेश्चन जनरेट होने वाले थे वो आपके हो चुके। छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य MP, राज्यों का क्रम भी पूछ सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है MP के बाद महाराष्ट्र आता है ना, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है, लगे हुए राज्यों में क्रम पूछ दे तो। ठीक, यूपी भी है ना, MP, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात है नहीं तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक, यह क्रम हो जाएगा MP से जो छत्तीसगढ़ से जो लगे राज्य हैं उनका।
ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर। तो यह हुआ छत्तीसगढ़ का कुछ बेसिक परिचय। देखिए इसमें हम मैं नामकरण नहीं बताया हूं, जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तब हम वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसा था, है ना, छत्तीसगढ़ का मतलब निर्माण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ का विभाजन कैसे हुआ, उसके जिले कैसे बने, ये सब हम जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि हमको प्रशासनिक छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, वहां पे हम देखेंगे जिला तहसील ये सब कब बने, कैसे बने, है ना, इनका गठन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम वहां देखेंगे, क्योंकि अभी हम टॉपिक चालू किए भौगोलिक, तो हम इसमें सीधे सीधे भौगोलिक चीजों को देखेंगे। अगले लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के जो आगे हैं भौगोलिक विभाजन, है ना, चट्टाने, मिट्टी, अपवाह तंत्र, जलवायु, ये सब इसमें कवर करेंगे, ठीक, एक के बाद एक करके। चलिए आज के लिए इतना ही है, है ना, अगले लेक्चर में हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और कोशिश करेंगे भौगोलिक को बहुत ही अच्छे से पढ़े। देखिए भौगोलिक ना केवल एडीओ के लिए बल्कि हर एग्जाम जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है या छत्तीसगढ़ स्टेट का है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हम चाहे तो एडीओ दे, एसआई दे, या छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम दे, व्यापम दे रहे, दूसरे एग्जाम दे रहे, हम छत्तीसगढ़ पीएससी भी दे रहे, तो भी सारे क्वेश्चन हम कवर कर ले। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।